आजकल नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में हम लोग गेहूँ की बजाय कुटू या सिंघाड़े का आटा लेते हैं। कुटू और सिंघाड़ा दोनों ही मिलेट के अंदर आते हैं, यानी कि मोटा अनाज। ये इनमें प्रोटीन की मात्रा गेहूँ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, फाइबर भी इनमें ज़्यादा होता है और इसमें विटामिन B3 और B6 भी होता है। कुटू का ग्लाइसीमिक इंडेक्स गेहूँ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसका मतलब कि हम जब इसे कुटू को खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करता है, धीरे धीरे स्पाइक करता है। इसके कारण ये शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके साथ मैंने घिया की सब्जी और खीरे का रायता भी बनाया है और मेरी डिनर तैयार हो गया है। ये थाली देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी है। मॉर्निंग में मैं यूजली फ्रूट्स लेती हूँ और शकरकंदी उबाल लेती हूँ, शकरकंदी या सिंघाड़े जो भी घर पे अवेलेबल होता है। इससे मुझे विटामिन और मिनरल्स और फाइबर मिल जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के साथ ये आपकी डाइट बैलेंस डाइट बन जाती है। आप लोग नवरात्रि के फास्ट में क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या खाते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। जय माता दी।